तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में आप ऑप्टिफाइन 1.19.2 वर्जन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देते रहिएगा, ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको अपने पीसी या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है assistdevice.in, आपको यही सर्च करना है जो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से यहाँ पर नेम देख लीजिए, आपको यही नेम लिखना है assistdevice.in, ठीक है, और इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करोगे तो आप कुछ इस तरह की वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है। और गाइस यदि ये वेबसाइट ओपन होकर नहीं आती है, कुछ इस तरीके का ये पेज खुलकर आता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का ये पेज खुलकर आता है, तो यहाँ पर आपको असिस्ट डिवाइस दिखाई दे रहा होगा। आपको शुरू की वेबसाइट पर ही क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको जो पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर माइनक्राफ्ट एपीके एंड माइनक्राफ्ट जावा एडिशन, आपको इसी पोस्ट पर क्लिक करना है। और यदि आपको ये पोस्ट यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सर्च करना है माइनक्राफ्ट जावा, आपको सिर्फ इतना लिखना है माइनक्राफ्ट जावा और इंटर करना है, तो यहाँ पर वही पोस्ट निकल कर आ जाएगा जो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर वही पोस्ट निकल कर आ चुका है माइनक्राफ्ट एपीके एंड माइनक्राफ्ट जावा एडिशन, ठीक है। तो आपको इसी पोस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पोस्ट पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर गाइस आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करते जाना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा माइनक्राफ्ट जावा एडिशन ऑप्टिफाइन लिंक, और इसी के नीचे आपको लिंक दिखाई देगी गो टू वेबसाइट की लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है गो टू वेबसाइट पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो गाइस आप कुछ इस तरीके पेज पर आ जाओगे ऑप्टिफाइन के डाउनलोडिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्लिक करना है डाउनलोड पर, और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक आकर मैं फाइल मैनेजर के अंदर जाकर यहाँ पर डाउनलोड पर जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये ऑलरेडी डाउनलोड है। तो यहाँ पर मैं डबल टैप करके या राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको इंस्टॉल दिखाई दे रहा होगा, इंस्टॉल पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर आपको एक एरर भी देखने को मिल सकता है, उसके लिए गाइस आपको करना क्या है कि आपको अपने माइनक्राफ्ट लॉन्चर में 1.19.2 वर्जन का जो रिलीज वर्जन है आपको उसी इंस्टॉल करना होगा पहले, उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो गाइस जैसे ही आपका ऑप्टिफाइन 1.19.2 इंस्टॉल हो जाता है सक्सेसफुली, उसके बाद आपको माइनक्राफ्ट लॉन्चर में जाना है, और वहां पर आपको इंस्टॉलेशन पर जाना है। तो वहां पर आपको इंस्टॉल करा हुआ मिल जाएगा जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो उसे आप वहां से सेलेक्ट कर लेना है और इंस्टॉल करके प्ले कर लेना, तो आपका ऑप्टिफाइन 1.19.2 प्ले हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं टी लॉन्चर की। तो भाई टी लॉन्चर में आपको ऑलरेडी ऑप्टिफाइन 1.19.2 मिल जाता है। जैसे ही ऑप्टिफाइन में लेटेस्ट वर्जन आता है तो टी लॉन्चर में ऑप्टिफाइन का लेटेस्ट वर्जन शो हो जाता है, और ओल्ड वर्जन भी शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टी लॉन्चर में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये जो ये वाला आप देख पा रहे होंगे ऑप्टिफाइन 1.19.2, ये इसका ऑलरेडी यहाँ पर था, ठीक है। और जो हमने अभी इंस्टॉल किया है वो ये वाला है रिलीज 1.19.2, ठीक है। तो गाइस आप इसे भी यहां पर इंस्टॉल करके खेल सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आज की ये वाली वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। तो चलो गाइस मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में।